चलो नो नो कमेंट, वीडियो वो कट हो गया, पता नहीं कैसे कट हुआ। चलो इस पे ध्यान दो, ये तो समझ में आ गया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग देखोगे बिल और शैलवी का केस, हम लोग कल पढ़ेंगे। देखो हम लोग आप डेली डेली लिखेंगे 5 वर्ड, लेकिन इससे 25, 20, 10 जितना हो उसका डबल ट्रिपल पड़ेगा। देखो सुनो, अबेस का मतलब होता है किसी चीज को नीचा दिखाना। आप देखोगे कई सोसाइटी में लोग होते हैं आपको अबेस करते हुए मिलेंगे, अबेस समझते हो, नीचा दिखाते हो, डिग्रेड करना यानी वैल्यू में कमी कर देना किसी चीज को, तो उसको कहेंगे अबेस कर देना। बात समझ पा रहे, किसी की वैल्यू में माने वैल्यू वाला समझते हो, सम्मान में किसी की कमी करना, उसके लिए क्या कहोगे, अबेस कहोगे। एक और होता है अबैश, अबैश देखो अबेस और अबैश में फर्क है। अबेस इसको पढ़ेंगे, इसको अबैश पढ़ेंगे। आपने ऐसा वाला शाह पढ़ा होगा, एक है सा ऐसा पढ़ा होगा, है ना, देखोगे तो इसको अबैश पढ़ेंगे। और अबैश का मतलब होता है लज्जित करना, किसी को एम्बैरेस करना, एम्बैरेस मतलब समझते हो, गलत फील कराना, उसको एकदम पता ना शर्मिंदगी कर देना, उसको लिए कहते हैं अबैश कहते हैं। क्लियर हुआ, यानी किसी के वैल्यू में कमी करना उसके लिए अबैश आएगा। लेकिन अबैश क्या कहोगे, जब किसी के मतलब होता है ना लज्जित करना, किसी को दम घटिया साबित कर देना, किसी को ना शर्मिंदा कर देना, उसके लिए एम्बैरेस होता है। अब देखो एक बात और है, ये आपके क्वेश्चन में पूछता है, जो आप स्पेलिंग टेस्ट कभी देखोगे आता है आपके लिए कि कौन सा स्पेलिंग चारों वर्ड में सही है, चार ऑप्शन लगा होता है, तो इसका ध्यान रखना है EMBARRASS होता है एम्बैरेस, याद रखना है एम्बैरेस का मतलब स्पेलिंग क्या होगा, देखोगे EMBARRASS, क्लियर है, एम्बैरेस। और एम्बैरेस मतलब होता है लज्जित करना, अबैश का मतलब वही होता है, ठीक है ना। और देखो एक होता है एबिट्योर, एबिट्योर का मतलब होता है बुचर खाना समझते हो, कसाई खाना को कहते हैं, जहां एनिमल्स को क्या किया जाते हैं, स्लॉटिंग किया जाता है, स्लॉटर मतलब क्या समझो, काटा जाता है। आपने देखा होगा कई दुकानों में कि खसी है और चिकन उकन का है, तो देखो टांगे हुए और बेच रहा है, उसको कहेंगे बुचर खाना समझ में आ गया, उसको कहते हैं एबिट्योर। और इसका मतलब होता है स्लॉटर मतलब एबिट्योर, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, स्लॉटर का मतलब क्या समझोगे, जहाँ एनिमल्स को क्या किया जाता है, किल्ड किया जाता है, हत्या किए जाते हैं, मारे जाते हैं। एक होता है एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, जिसका मतलब होता है छोड़ देना, हार मान लेना। जिस जगह पे देखो कई जगह पे वो लिखा होता है गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, त्याग देना, छोड़ देना। जैसे मालूम चला आपने कई दिनों से अंग्रेजी 3-4 महीने से पढ़ रहे, और मालूम चला एक दिन पढ़ रहे हैं और 7 दिन गायब हो, और उसके बाद 4 महीने बाद जोश हो रहा कि अभी तक सीखे नहीं है, तो उसमें क्या आएगा, डिप्रेशन आएगा, उसके क्या होगा, इतना दिन भी लग गया सीखे नहीं, तो लास्ट में होता है ना छोड़ दो हटा दो, तो ऐसे सिचुएशन में हार मानने को क्या कहेंगे, गिव अप। मैं बार बार बोलता हूँ कोई इंसान इस दुनिया में कुछ सीख के आता ही नहीं, फोकस करने में सीख जाता। इससे पहले अगर ये 5 वर्ड आप नहीं जानते थे, 4 वर्ड या ये वर्ड भी नहीं जानते थे, एबरेंट का मतलब होता है असमान, असमान मतलब होता है सामान्य से कुछ अलग, जिसको आप एबनॉर्मल कहते हो, एबनॉर्मल का मतलब समझते हो, असमान मतलब जिन लोगों से हट कर थोड़ा। आप लोगों को कोई कहते तुम एबनॉर्मल हो, नॉर्मल नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब क्या है, आप असमान है, अलग ही है, समझ पा रहे, उसको कहते हैं। आपने कई सोसाइटी में नाम लोगों को देखा हो कि एबनॉर्मल का है, एबनॉर्मल का मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब चलो ये भी अबेस का मतलब बताओ, नीचा दिखाना, डिग्रेड करना। अबैश का मतलब बताओ, लज्जित करना, शर्मिंदा करना, एम्बैरेस उसके लिए आता है। और फील गिल्टी होता है ना, एबिट्योर का मतलब बताओ, एबिट्योर मतलब बुचर खाना, जिसको आप क्या कहते हो, स्लॉटर समझते हो, SLAUGHTER स्लॉटर, बुचर खाना उसे होगा, स्लॉटिंग किया जाता है। स्लॉट मतलब ये होता है एनिमल का क्या करना, किल करना, हत्या करना, स्लॉट, ये ध्यान रखना, क्लियर है। अब देखिएगा एबिट्योर का मतलब होता है बुचर खाना, उसे होता है स्लॉटरिंग, स्लॉटरिंग मतलब क्या होता है, किल करना एनिमल्स का, स्लॉटर मतलब क्या समझो, वही बुचर खाना होता है, स्लॉट का मतलब जानवर को मारना, एबडिकेट मतलब होता है त्यागना, गिव अप करना, ठीक है कि नहीं, क्लियर है, छोड़ देना, ठीक है। अब देखोगे एक होता है एबरेंट, एबरेंट मतलब होता है असमान, जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल, क्या ये 5 वर्ड याद रहेगा, है ना, बुचर खाना, और पीछे जो एक्सरसाइज में दिया गया आपको कुछ नहीं, 20 वर्ड पीछे का दे रहे, एक पेज पूरा खत्म कर क्या करोगे, नहीं 50 नहीं, 100 बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है।
कहानी, कौन सा कहानी, कैसा कहानी? चलिए आपको कुछ दे देता, सुनो ना, पेज नंबर 269 लास्ट पेज बताया ना, 269 लास्ट से थोड़ा सा आगे, 269 269 पेज नंबर ओपन करें, 269 पेज नंबर ओपन किए, पेज नंबर 269 ओपन करने के बाद आपका कल का यही टास्क होगा, इसका हिंदी और B1 B2 रट गया, खाली बस एक ही पेज, एक पेज पूरा ये करना, 269 वहाँ पूरा फ्रंट से नीचे कर लोगे, नहीं बस एक ही पेज में काफी, ध्यान दोगे तो कुछ नहीं है, एक्सरसाइज मतलब प्रिंस पढ़ा है ना, उस पर थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, क्लियर है? पक्का? वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, और कोई डाउट है तो बता दीजिए, कोई डाउट है बताओ, बहुत सारे डाउट है तो कह ले, क्या क्या डाउट है बताइए, स्मगलर जो नशेबाजी होती है ना, देखो स्मगलिंग करते हैं, नशा का काम करते हैं ना, धंधा नशेड़ी, नहीं क्या बात, माफिया लोग होता है ना, नशेड़ी लोग, नशेड़ी नहीं वह डॉक्टर बनने वाली ही शी हो जाएगा, सॉरी बनने वाली है ना, शी इज टू बिकम अ डॉक्टर, अरे ये इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ये भी फ्यूचर को दिखाता होने वाला कोई काम है, आगे चलते हैं, ठीक है, और कोई डाउट, चलो वीडियो पॉज कर देते, हो गया ना वातावरण, वायुमंडल वो सब होता है, ठीक है, तो इसको पॉज कर, जिसको छूट कर लेना तो कर लेना।